तो जैसा कि आप मेरे पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि मोदी जी की जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीम थी, जो बीमा योजना की स्कीम थी, जो 10 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी ने बोला था कि हम जो हेल्थ स्कीम लगाएंगे, उन स्कीम को वो 21 मार्च को कैबिनेट में लेंगे और उसका नाम था आयुष्मान भारत योजना जो रखा गया था। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो स्कीम लॉन्च हो चुकी है। अब इसके लिए क्या शर्तें हैं, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, इस चीज़ के बारे में जानकारी के लिए मैंने आपके लिए दूसरा वीडियो दिया है। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह मैं आपको अपडेट करता रहूँ तो आप फिर मेरे चैनल को पहले जो शर्त यहाँ पर देखिए, ये देखिए, सबसे पहले जो शर्त है यहाँ पर वो है कि मोर देन 2.5 लाख इनकम पर एनम, तो 2.5 लाख से ज़्यादा सालाना की इनकम नहीं होनी चाहिए, फिर वो बीपीएल फैमिली में नहीं आते हैं। तो उससे जिसकी इनकम कम है वो इस स्कीम का लाभ ले पाएंगे, वो अपना फ्री में इलाज करा पाएंगे 5 लाख रुपए तक का। दूसरी जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आ रही है वो है 400 रुपये से ज़्यादा पर मंथ का बिजली का बिल नहीं होना चाहिए। जो भी लोग 400 रुपये से ज़्यादा बिजली का बिल जमा कर रहे हैं वो लोग इस फैमिली का लाभ स्कीम नहीं ले पाएंगे। दूसरा है रेंटल इनकम, जिन लोगों के मकान बने हुए हैं दूसरी जगह पर, उनका रेंट से उनकी इनकम आ रही है, उस मकान को रेंट पर देकर वो इनकम कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं होंगे। नंबर पर आता है ओनर ऑटो ड्राइवर, ऐसे ऑटो ड्राइवर जिनका अपना ऑटो है वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। पाँचवीं है मोर देन 100 cc व्हीकल, जिसके घर में 100 cc से ज़्यादा बड़ा वाहन है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 100 cc से कम का वाहन है, 100 का, और क्या कहते हैं जो बाइकें आ रही हैं वो 100 cc की बाइक तक तो ठीक है, इससे ऊपर अगर आपके पास कोई वाहन है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। 6 नंबर पे आती है और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है पक्का मकान। अगर आपके पास पक्का मकान है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। अब दोस्तों, किस तरह के मकान में आप इसका फ़ायदा ले पाएंगे वो भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो जो लोग एक कमरे का मकान है उनका और कच्चा मकान है, कच्चा इन द सेंस ये नहीं कि आप मिट्टी का बना लें, नहीं, कच्चा इन द सेंस कि आप कारे में बना हुआ होता है मकान, वो अगर आपका मकान है, एक कमरा बना हुआ है आपका, तो वो कच्चे मकान में आता है। इसके अलावा आप झोंपड़ी में रहते हैं, खिपरेल में, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग अपने जीवन के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर आपका पक्का मकान है, प्लास्टर हो रहा है, सीटेड है, लेंटर पड़ा हुआ है, तो आप उसके सातवें नंबर पर और लास्ट ओनर ऑफ मोर देन फिक्स लैंड, जो भी स्कीम इस स्कीम में जो तय के इतनी ज़मीन से ज़्यादा कोई अगर ज़मीन है उसके पास तो वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे दोस्तों। तो वो ज़मीन कितनी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब ये स्कीम के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। अभी तो सिर्फ ये मंजूरी दी है कैबिनेट ने, अभी कब तक स्टार्ट हो वो भी मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब इसकी कोई नई अपडेट आएगी, और वो आपको तभी पता चल पाएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि मैं जल्दी से कोई अपडेट आए और वो अपडेट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, ये थे 7 पॉइंट जो मैंने आपको भी बताए। ओके, थैंक यू सो मच।